पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा आज एक दिन के दौरे पर बांसुर रहे, जहां उन्होंने अपने निजी कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए राजस्थान सरकार और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बांसुर में खनन माफिया पूरे पहाड़ के पहाड़ खा गए, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। जो इनका वोट बैंक है उनको खुली छूट दी गई है। खनन माफिया बांसुर में पत्थरों का अवैध कारोबार कर रहे हैं। कोई जांच करने वाले आए उनको पूरे के पूरे पहाड़ दिखा सकता है, जिनको खोखला कर दिया गया है। उन्होंने सड़कों को लेकर कहा कि बांसुर कस्बे से लगती 19 सड़कें जर्जर हालत में पड़ी है, जबकि इसके लिए 11 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन उनकी हालत आज भी खराब है। राजस्थान सरकार 2 साल पहले बांसुर में स्टेडियम की घोषणा तो कर दी गई थी, मगर आज तक स्टेडियम की जगह चिन्हित नहीं कर पाए। यदि सरकार के पास धन नहीं है तो सरकार भामाशाह से भी सहयोग ले सकती है। यहाँ के विधायक उद्योग मंत्री है, यदि वह चाहे तो उद्योगपतियों से बात कर बांसुर के लिए एक अच्छा स्टेडियम बनवा सकती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय सरकार अपने और पराए का फार्मूला अपना रही है, जो इसके खास है। उनके सभी काम हो रहे हैं, बाकी के लिए आंखें मूंद कर बैठे हैं। राजस्थान सरकार ने तो केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना भी उसे भी सही से नहीं अपनाया। उसका ही परिणाम है कि जनता इस भीषण गर्मी में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। बांसुर में भारत का संविधान लागू नहीं है, अंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं है, यहाँ पर तो पोपाबाई का राज है, पोपाबाई का संविधान लागू है। कानून व्यवस्था यहाँ की टोटल चौपट हो गई है, कोई गरीब की सुनने वाला नहीं है। थानों से ऐसे डर लगता है जैसे अंग्रेजों की पुलिस से डर लगता था। ऐसे थानों में जाते ही असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तू मैं भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई बाहर से कोई क्लाइंट वहाँ थाने में रिपोर्ट दर्ज करने जाए तो वहाँ बैठने की जगह नहीं है, और इनके जो वहाँ पर पुलिस कर्मी है गाड़ी गलौज के साथ पेश आते हैं। नंबर दो, इन्होंने भू माफियाओं को खुली छूट दी है और अपना जो अवैध खनन को टोटल वो दिए। मैंने तो ये भी सुना है कि कोई चिट जारी की हुई जो ट्रैक्टर्स पर लाल निशान है ताकि उसको कोई चेक ना कर सके, वो पुलिस वालों से मिले हुए उनके ट्रैक्टरों पर कोई निशान स्पेशल दिया हुआ है जिससे कि उसको चेक नहीं करते। और कोई भी आदमी अगर ट्रैक्टर भर के लाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है, 2-2, 3-3 लाख रुपया लेकर के और जब छोड़ते हैं, और वरना तो ट्रैक्टर की नीलामी के डर से बेचारा किसान घबरा जाता है और इनको पैसे दे करके छुटाने की कोशिश करता है। और आप देखो पहाड़ के पहाड़ खाली कर दिए, अवैध खनन, कोई आदमी कोई जांच करने वाला आए तो सही, मैं उनको दिखाऊंगा, पहाड़ के पहाड़ खा गए हैं अवैध खनन वाले। और अवैध खनन भी सबके लिए अलाउ नहीं है, जो इनका है जो इनसे मिला हुआ है उन्हीं का अवैध खनन अलाउ है। मिला हुआ है? किसका आपका इशारा है? किसका? जो इनके लोग हैं, जो इनसे मिल लेते हैं, जो मंथली देते हैं, जो किसी तय करते हैं या राजनीतिक प्रेशर से छोड़ते हैं, और कुछ लोगों के चलते हैं जो उनके